आओ चलो चलो शुरू किया जाए। आइए तो जय वाणू में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक का पूरा सॉल्व करेंगे। देखो जो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है माने 11 नंबर क्वेश्चन है, खूब ध्यान से सुनो। पहले कह रहा है कि आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक का दो दो उदाहरण दीजिए। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक का दो दो उदाहरण आपको क्या करना है लिखना है। तो पहले समझो खूब ध्यान से क्या बताते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वह होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आवश्यक अमीनो अम्ल वह होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, हम लोग बाहर से उसको प्राप्त करते हैं। जब भोजन करते हैं ना तब हमको जो अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं उसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेलीन। कौन? बेलीन भी आवश्यक अमीनो अम्ल है। दूसरा कह सकते हैं ल्यूसीन। और तीसरा, हाँ तीसरा होता है एलानिन यानी फेनिल एलानिन भी कह सकते हैं। एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, तुम्हारी बहन पूरा लिख ली है। अनावश्यक अमीनो अम्ल में कहोगे कि ऐसे अमीनो अम्ल, पंडित जी बैठी ना रहा चल, ऐसे अमीनो अम्ल जिस जो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उससे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको अम्ल कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं, ग्लाइसिन का नाम सुने हैं क्या आप? ग्लाइसिन अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ये शरीर के अंदर हमेशा उपस्थित होता है, इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और एलानिन का भी नाम सुने होंगे आप, एस्पार्टिक अम्ल का भी नाम सुने होंगे, सब आपका ये होता है। तो चलो उत्तर नंबर हम लोग लिखते हैं 11 का लिख लो। और पहला हेडिंग बना लेना है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। अच्छा तो लिखो भी है, छोड़ देवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ये लिखाया गया था आपको याद करो। ऐसे अमीनो अम्ल एक बार सुन लीजिए, ऐसे लिखवाते चले, चलो ठीक है तो लिख लो, ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, शरीर के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, इसे बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो जान गए होंगे आवश्यक मतलब आवश्यकताओं के शरीर के, और बाहर से आप जब खाए पिएंगे दूध दही मछली मट्ठा वगैरह पिएंगे तो आपको मिलेगा ही कवन आवश्यक अमीनो अम्ल। उदाहरण बेलिन लिख लीजिए, खूब खाइएगा ल्यूसीन। आप जाइएगा शादी ब्याह में जब भी आपको सलाद मिलेगा चुकंदर को चुन चुन कर खाइएगा, चुकंदर को चुम चुम के खाइएगा एलानिन। ये तीनों ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जब आप भोजन करते हैं मार्केट से खाते हैं, पावरोटी खाते हैं या पनीर खाते हैं या दूध पीते हैं या दही खाते हैं या हलवा खाते हैं, तो सब में ये आपके पाया जाता है। ये जो खाते हैं बाजार से लाता है का जी, अनावश्यक। अच्छा मैं तो खेत में से उठाया खाता हूँ, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अच्छा इसकी जरूरत नहीं होती है बाहर से लेने के लिए, क्या हो सकता है शरीर के अंदर ही उपस्थित होता है, यानी ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है, शरीर के अंदर
उपस्थित होते हैं तथा इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती तथा इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है आवश्यकता नहीं होती है। चलिए उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं। ग्लाइसिन ग्लाइसिन लिख सकते हैं। ग्लाइसिन का सूत्र याद है आप लोग को कहाँ आता है ग्लाइसिन के तीनों गाने के बंदरी है बताओ कहाँ आता है। एकदम सही लड़का बोला है वाह कौन है कौन कहता है कि बुढ़वा इष्ट कर्म नहीं पता है तुरंत बताए सी एस टू एन एस टू देखो वही लड़का है केमिस्ट्री में आई गई है तू आज नहीं बता पाया ग्लाइसिन का सूत्र। एस्पार्टिक अम्ल का कौन बताएगा चलो घर वाले बच्चे बताएंगे आजाद अभी नहीं आया तुम लोग बताओ एस्पार्टिक अम्ल का सूत्र जो नाली मुंह धोला सकता नहीं के कुछ याद नहीं है ना तो बता खुशबू साफ बात सब थोड़ा खुशी मिली थी ये भी तो नहीं बता रहे हाँ चंद्रभूषण अरे भाई तो क्लासिक है सी एस टू एन एस टू सी सी रोलो यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग लिखा गया सब लोग लिख लिए क्या ग्यारह नंबर अब 12 नंबर पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 नंबर हमसे क्या कहता है पेप्टाइड बंद बताओगे सुनीता पेप्टाइड बंद कब बनता है हाँ जब दो अमीनो अम्ल को जिस बंद के द्वारा जुड़ा जाता है उसी को वहां पर जो बंद बनता है पेप्टाइड बंद कहते हैं। पेप्टाइड बंद में ना NH2 एसिड ऑफ कोई अच्छे के पास रहता है इसमें से H2O बाहर निकलता है तो यही आपका होता है पेप्टाइड बंद। चल गए मिटा दे इसको लिखा गया सबको अरे फास्ट ही लिखो ये तो 12 बज जाएगा आज इसको समाप्त भी करना है ध्यान रखना। चलिए तो 12 नंबर में पहला आपका दिया है पेप्टाइड बंद पेप्टाइड बंद तो क्या होता नहीं समान लगी यहाँ पर हुआ सी डबल ओ एच इंटू सी एच टू और यहाँ एन एच टू एक मान लो ये ग्लाइसिन हुआ यही अमीनो अम्ल है बाबू अमीनो अम्ल हुआ होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और अमीन समूह दोनों उपस्थित होते अब ए अब क्या कर दे पेप्टाइड बंद बना रहे ना अब यहाँ एन एच टू है तो यहाँ पर सी डबल ओ एच कर लो अभी सी एच टू कर लो फिर यहाँ पर एन एच टू कर लो अभी दोनों के बीच में बंद बनेगा तो बंद बनेगा तो जानते हो क्या होगा यहाँ से ओ एच ओ एच निकल जाएगा यहाँ से निकल गया एच यहाँ से डबल ओ एच निकल गया तो इसके बीच में जो बंद बनेगा चलो यहाँ पर दिखा देना है इनके बीच में जो बंद बनेगा उसी को कौन सा बंद कहते हैं पेप्टाइड बंद कहते हैं। तो कहोगे ना लिख देते हैं कि जब दो अमीनो अम्ल जिस बंद से जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बंद कहते हैं पेप्टाइड बंद कहते हैं और इसमें से जल बाहर निकलता है जल्दी से लिखा गया क्या आप लोग का तब आते हैं सेकेंड प्राथमिक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना
प्रोटीन की प्राथमिक संरचना आपको याद है? प्रोटीन के प्राथमिक संरचना भरवे ऐसा कह दिए खुले ना, प्रोटीन के प्राथमिक संरचना क्या कहेंगे कि एकदम सीधा होता है, याद है? प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना होता है एकदम क्या होता है, सीधा होता है। और जो प्रोटीन होता है वो अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, याद है ना? पेप्टाइड बन तो होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड माने आपको याद भी होगा, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना सीधा होता है, सीधा होता है तथा यह एमिनो न भरकर अम्ल से मिलकर बना होता है। आइस में पेप्टाइड बन पाए जाते हैं, पॉली पेप्टाइड लिख देना, पॉलीपेप्टाइड बंद आ जाते हैं। क्यों भर दे? चले ऊपर आने के लिए ना, पेप्टाइड बंद मिटा दे। देखो एक तीसरा इसमें और दिया है ना, प्रोटीन का विकृतिकरण, प्रोटीन का विकृतिकरण याद है आपको? जब प्रोटीन में अम्ल या क्षार मिला देते हैं तो प्रोटीन का तृतीयक संरचना नष्ट हो जाता है और प्रोटीन प्राथमिक संरचना बदल जाता है, इन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का विकृतिकरण। विकृतिकरण का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। विकृतिकरण का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। तो लिख लो, जब प्रोटीन के तृतीयक संरचना में, तृतीयक संरचना में अम्ल या क्षार मिला देते हैं, मिला देते हैं तो तृतीयक संरचना टूटकर, तृतीयक संरचना टूटकर प्राथमिक सही नहीं चल रहा है, देख रहे हैं ना? ये ली थी मुस्कान, पूरा इसको नोच नाच के बिक दी, बदल जाता है। तो इसे प्रोटीन की प्रोटीन का विकृतिकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, सब तुम लोग पढ़े हो, बस इस प्रश्न के भाव को समझो और उत्तर लिखते चलो। तो प्रोटीन में क्या क्या मिला देंगे? प्रोटीन में आप अम्ल या क्षार मिला देंगे तो प्रोटीन का जो तृतीयक संरचना होता है टूट करके प्राथमिक संरचना में, तृतीयक बड़ी जटिल होता है याद है, अगर टूट कर प्राथमिक बदलता है तो एकदम सीधा हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का विकृतिकरण। चल के आगे बढ़े कमने के, क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं हम लोग, लिखा गया सबका। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रोटीन के द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या होते हैं, माने जो प्रोटीन का द्वितीयक संरचना होता है उसके संबंध में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो पॉलीपेप्टाइड से तो मिलकर बनी होती है, लेकिन इसमें दो प्रकार की अन्य अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड सीट संरचना, याद होगा? इसमें जो होता है ना कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है कुंडलित हो जाती है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाती है, याद है? अरे याद करो यार, मिटा रहे क्या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पूरा मिटा दें,
सब लोग लिख लिया क्या? थोड़ा लिख लिखा गया आप लोग का? ठीक, चलिए 13 नंबर का उत्तर के पास आते हैं हम लोग। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना की बात हो रही है। तो आपके याद होगा प्रोटीन, पहले समझ लो प्रोटीन के द्वितीयक संरचना का, अगर आप इस तरीके से चित्र बनाते हैं तो इसके याद करो डबल था आपका और इसके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये देखिए इसके बीच में कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कोई दिक्कत है बताओ, कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें दो संरचनाएं भी पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना। तो लिख लेना को प्रोटीन का द्वितीयक संरचना पॉली पेप्टाइड बंध से मिलकर बना होता है, बंध से मिलकर बना होता है तथा कार्बन एक और कार्बन चार के बीच कौन बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। तथा प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में दो प्रकार होते हैं, द्वितीयक संरचना दो प्रकार के होते हैं, सब लोग याद कर लेना। फर्स्ट अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट है, जो नहीं बना उसको बीटा कहते हैं। ध्यान लिख लो, जल्दी से लिखो। तो प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में कार्बन एक और कार्बन चार के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है और प्रोटीन के द्वितीयक संरचना में दो संरचनाएं मिलती है आपको, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड, दोनों प्रकार की संरचना इसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे सब लोग कि प्रोटीन के हेलिक्स संरचना के स्थायीकरण में कौन से आबंध सहायक होते हैं, कौन से बंध पाए जाते हैं प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स संरचना को अस्थायी रखने के लिए? कौन बंध? हाइड्रोजन बंध। कौन बंध? दखल कर रहे हैं। तुम लोग बता देते हो, ये खूबी है, कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि तुम्हें नहीं बता पाते। इंटेलिजेंट बॉय एंड स्टूडेंट एंड गर्ल एंड स्टूडेंट बॉय क्लास टू कमल के सर, मन के सर को भी अपना आराम से पढ़ता अपना घर जाता है, या तन घर में तेरे पढ़ना कभी टाइम में निकाल के सब। अरे पास कर जाओगे ना? हाँ यही है, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देना रहा। चलिए तब आते हैं 14 नंबर में जी। हाँ प्रोटीन के लिखो, प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स संरचना के अस्थायीकरण में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं।
बहुत सिंपल सा प्यारा सा, खाली हाइड्रोजन बंद इसमें लिख देना था, लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रसदार गोलकार प्रोटीन क्या होते हैं, इसको केवल मैं समझाऊंगा, आप खुद लिखेंगे, अंतर पूछ रहा है। ठीक है, लिखा गया, अब लाइन से लिखते चलना। चलिए भाई 15 के उत्तर पर चलते हैं। रसदार प्रोटीन और गोलिका आकार प्रोटीन में अंतर बताना है। तो पहले आते हैं रसदार प्रोटीन, जिसको आप अंग्रेजी में फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। फाइबरस, बुला लिया जब बैठा पड़ा हो जो वो लोग, 5 दिन से, अगर 5 दिन जितना औरत वैसे बैठा के यहाँ पढ़ा दिया जाएगा ना, 6वां दिन से अरे ऐसा बात हो रहा है, अरे इसलिए पढ़ाते हैं तो कई लोग क्योंकि। चलिए आगे बात, तो मम्मी पढ़ी है ना, कहाँ ले अभी ये क्या कर रही है। हाँ तो रसदार प्रोटीन के बारे में जानते हैं ना आप लोग, रसदार प्रोटीन हुआ प्रोटीन होता है, पहले सुनना ध्यान से, जिसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो वो नहीं खुलता है, ये रेशा के रूप में पाया जाता है, रेशा के रूप में, याद है ना। रसदार प्रोटीन, रसदार प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होता है, न माने नहीं घुलता है, घुलनशील नहीं होता, यह रेशा के रूप में पाया जाता है, रेशा के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में, रेशा के रूप में पाया जाता है। अच्छा देख लेना ना, जो रेशेदार प्रोटीन होता है वह जंतु ऊतक को बनाने में माने प्रमुख योगदान देता है। रेशेदार प्रोटीन जंतु ऊतक को बनाने में सहायता करता है, सहायता करता है। अच्छा इसके उदाहरण में तो आपको याद होगा ना, केराटिन, केराटिन कहाँ पाया जाता है और कहाँ, बालों के नीचे, चोटी, चोटी के ऊपर चोटी, और चोटी के नीचे है पलंदा, पलंदा मेरे दिल ले गया, सुन लिया मैंने, केराटिन बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, ये कहता है मायोसिन के नाम सुना, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, हाँ शरीर में कहाँ पाई जाती है, चारों हड्डियों के ऊपर पाई, मानिए उत्तर हड्डियों के ऊपर पाई जाती है, हड्डियों के कहाँ होती है ऊपर एकदम शरीर में, शरीर के चारों ओर हड्डी के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती है, और यही मांसपेशियां और हड्डियां आपस में मिलती है तो क्या बनता है, कंकाल तंत्र। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब आ जाओ गोलिका कार प्रोटीन, गोलिका कार प्रोटीन, अच्छा इसका उल्टा तो उसमें लिखना और क्या, गोलिका कार प्रोटीन, जल में घुलनशील होता है ना जी, तो लिख लो, अच्छा अंग्रेजी में भी लिखो क्या इसको, लिख लो ग्लोबुलर, ग्लोबुलर
प्रोटीन 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 चना के दाल में मिलता है। यह प्रोटीन किसे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। बीटा अमीनो अम्ल नहीं हो सकता है, खाली आप कहेंगे अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है ना। हाँ मैंने अल्फा होता है लेकिन इसमें बीटा भी तो होता है, गामा भी होता है। यह प्रोटीन गोलिका आकार के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। और तुम लोग याद भी होगा ये प्रोटीन जो होता है जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, रसदार नहीं, घुलनशील नहीं होगा, उसी का उल्टा। या जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इसके उदाहरण बता दो तनी। अच्छा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। रक्त में कहाँ? आरबीसी में पाया जाता है। और बोलो और कोई। हाँ एकदम सही लड़का बोलता है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है बता दो, कहाँ पाया जाता है? अच्छा इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में कहाँ होता है? कहाँ? कहाँ समझी? मतलब तो मान लो भाई इस समय किसकी प्राथमिकता मालूम है? स्त्रियों की, जो बोल देंगे उसको मान लिया जाएगा, मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के पास चले जाके ना पूरा बैठ के याद कर लेना तुम लोग। शर्मा जी पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए, जब हमें अगर पूछे नहीं तो हमारे सुर जरूर मारेगी, क्वालिटी है सुर जरूर मारेगी। अब एक प्रश्न है, अमीनो अम्ल के उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, बताएंगे आप लोग? अच्छा आप सभी को याद होगा कि जब भी बात अमीनो अम्ल की होती है तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और इसमें क्या होता है? एमीन समूह होता है। आपको मैं एक कहानी बताया था, याद होगा, जुपिटर आयन के बारे में। जुपिटर आयन के बारे में याद है आपको? किसे कहते हैं बार बार बताओ ना, बताओ जुपिटर आयन क्या होता है? अरे यार आपको मैंने कहा था कि कोई आपके पास मान लीजिए अमीनो अम्ल है, मान लीजिए NH2 या मान लीजिए CH3 CH और फिर COOH और उसके साथ NH2 जुटा हुआ है, तो COOH में से OH निकल करके NH2 के साथ जुड़ करके NH3 बनाता था, तो इसके ऊपर प्लस आ जाता था, उसके ऊपर माइनस, तो इसी को हम लोग कहते थे जुपिटर आयन। इसको हम लोग क्या कहते थे? जुपिटर आयन कहते थे। और इसी को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी का ची अमीनो अम्ल। तो एक हेडिंग बना लो पहले, भाई धर्मी 9 वाली क्वेश्चन है अमीनो अम्ल। देखो पहले सुनो एग्जांपल पहले समझो, एक नाम सुने हो आर आर CH NH2 COOH जान भी होकर उससे मतलब नहीं, लेकिन ये बात एकदम तय है कि ये अमीनो अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इसमें NH2 भी आया COOH आया, तो सब लग गया एकदम 100% है सोहन बाबू कि यह अमीनो अम्ल है, एकदम 100% है राकेश बाबू अमीनो अम्ल है, आकाश बाबू, नमनू बाबू, दीपक बाबू, बाकी लोग बाबू ये अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या है NH2 है और COOH है। अब कुछ का इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, अबे बाबू आई क्रियाएं होंगी, तो जो नीचे देख रहे हैं ना ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा तो NH3 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होता है माइनस, इसी को हम लोग कहते हैं जुपिटर आयन। तो क्या कहोगे
कि जब किसी एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह से यक्ष निकल करके एमीन समूह के पास आ जाता है तो जो आयन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिविटर आयन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जिविटर। राजीव बाबू मोबाइल अंदर वा रख लीजिए, हम तो लिखे जिविटर आयन। हाँ, लिखेंगे जब अमीनो अम्ल में सी डबल ओ एच से यच निकल कर NH2 के साथ जुड़ जाता है तो जो आयन बनते हैं उसे जिविटर आयन कहते हैं। जुपिटर आयन कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसको? जो आयन बनते हैं उसे हम लोग कौन आयन कहते हैं बाबू? जुपिटर आयन। लेकिन एकदम याद रखना है कि जब सी डबल ओ एच सी एच निकल के इसके साथ आ गए, लिख लेंगे आप लोग। आपका लिखा गया है? तुम्हारा जी शिल्पी, बाद वाला कौन सा चीज है? अच्छा, तुम रब पर लिखते, तुम सब पर लिखते, मैंने लिखती अपना तो इसको याद होता, तुम लिखते तो अपना याद होता। खाली देखला से कुछ ना हो, जिसको जिसको देखते हैं अगर वो मिल जाए, आदमी कहाँ से कहाँ चले, आदमी कितना देखा लेकिन साला हाथ के नहीं देखा पाया रेखा। ये बात लिखा गया, चलो 17 पाओ। अरे लिखिए आप लोग, दोनों आदमी लिखिए, माने लिखने से ही जानकारी होती है। लिखेंगे तो कॉपी दे दो उसको, तो कितना फायदा ले रही है तुमसे। चला रहे क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एंजाइम के नाम सुने हैं क्या? अच्छा, एंजाइम के हिंदी में क्या कहते हैं? बीकर के वीकर। आज एंजाइम की बात होगी। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हमारे शरीर से एंजाइम को हटा दिया जाए, पड़े होंगे तो बताओ भोजन कितने दिनों बाद पचेगा? 50 साल हो जाएगा। सोचो आप, बहुत माने बुरा बुरा चावल खत्म कर देते हैं, दाल आप लोग खत्म कर देते हैं, ये सब फालतू में खत्म हो रहा है। एंजाइम पूरा निकाल दो, अदासो निकाल के फेंक दो ने। अरे ना होगा तो तुम्हारे पिताजी में एंजाइम को मैं अपना निकाल के उसी में डाल दो, तुम्हारा भोजन की जरूरत भी नहीं होगी। एंजाइम जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम हमारे शरीर के अंदर जितने भी जैव क्रियाएं होती है उसको संचालित करते हैं। एंजाइम की अनुपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है वो तेजी से नहीं हो पाती है। आप जाइमेस एंजाइम का नाम सुने होंगे, या जो जाइमेस एंजाइम होता है, ये जो एथिल अल्कोहल होता है ना, जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में बदलता है। जितने भी आपको मैंने पढ़ा रहा था जब हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स को तीन भागों में आपने बांटा था। एक था बाह्य स्रावी हार्मोन्स, नई ग्रंथि के बारे में, ग्रंथि के बारे में, बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक मिश्रित ग्रंथि, और बाह्य स्रावी ग्रंथि में जितने भी थे सब एंजाइम का स्राव कर रहे थे। वह एंजाइम है टाइलिन का नाम आप सुने होंगे, जो मुँह में पाया जाता है, जो मंडयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। रेनिन का नाम सुने होंगे, अमाशय में पाया जाता है, दूध को पचाता है। पेप्सिन का नाम सुने होंगे, अमाशय में पाया जाता है, प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज का नाम सुने होंगे, अमाशय में पाया जाता है, वसा को पचाता है। यकृत में भी एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज, ये भी वसा को पचाता है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एकदम सही बोला है। आज तुम्हारा लगता है कि दिमाग खुल चुका है,
देख लीजिए क्या कहता है, सीखिए उन बच्चों से, अपना भैया लोग से सीखिए, तो नहीं आप लोग इतने वीकनेस आप लोग हैं, मैंने बुढ़वा है ऐसा बात करते हैं। आप जवाने रहेंगे तो हर तरह कीड़ा काट कर कैसे काटेंगे, एंजाइम जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं के अंदर एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है भाई? एंजाइम जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है या शरीर के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, इसके अनुपस्थिति में जैविक क्रियाएं धीमा पड़ जाती है, इसके अनुपस्थिति में जैविक क्रियाएं धीमा पड़ जाती है। धीमा पड़ जाती है इसके अनुपस्थिति में जैविक क्रियाएं धीमा पड़ जाती है, ठीक है। उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ग्लूकोज का नाम सुने है क्या आप लोग? C6H12O6। इसमें एक एंजाइम मिलाया जाता है जाइमेस। शराब में नशा नहीं होता तो शराब का बोतल नाचता नहीं, नशा है तभी वो नाचता है। देखो एथिल अल्कोहल बन गया, नुकसान नहीं करता है क्या? आप लोग एथिल अल्कोहल कभी पिए हैं? नहीं देखे नहीं पियो क्या तुम लोग? अरे यार खांसी के जो सिरप पीते हो कहाँ है? हम आगे लाइन पर। अच्छा वैक्सीन में मार रहे हो कहाँ है? वैक्सीन में मारते हैं जो पीते नहीं, लेकिन आपके शरीर के जितने बाहरी कोशिकाएं हैं, त्वचा वाली कोशिकाएं सब तो चाटती है ना उसको, जो मारते हैं तो वैक्सीन सब चाटते हैं। बाहरी कोशिका सब बैठल बा, बस चाटे खाते खाली बार तो थूक दे तब वो चाट लेती है, कहाँ सूख जाता है थूक दे कहाँ सूख जाता है, चाट लेती है सब कुछ का। C12H22O11 इसमें जल ले लो। एक और एंजाइम मिला, बताओ कौन एंजाइम मिलाते हैं? इन्वर्टेस। ऐसा जानते हो किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। और कवक में ईस्ट से, ईस्ट से दुग बनता है C6H12O6, एक बनता है C6H12O6। टाइलिन का नाम सुने का? टाइलिन ये कहा है? एंजाइम है ना। आ कैसे किस प्रकार के भोजन को पचाता है? मंदयुक्त, मंदयुक्त भोजन को पचाता है। बहुत मजा आएगा तुम लोग कॉम्पिटिशन में, पूरा निकल जाएगा। रनिन बोलो, रनिन दूध को पचाता है। लाइपेज बोलो, वसा को पचाता है। पेप्सिन बोलो, प्रोटीन को। जल्दी जल्दी टाइम हो गया जी। कल क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेगा हम लोग, 17 तो हो गया, 18 पर चलेगा। सब लोग याद कर लेना तुम लोग को, चलो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोटीन के संरचना पर विकृतिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है बाबू? प्रोटीन को जो तृतीयक संरचना होता है नष्ट हो जाता है, प्राथमिक बदल जाता है, और प्रोटीन अपने जो प्रक्रिया को भी नष्ट कर देता है। इसको कभी लिखे थे लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा, लिख लो।
18 नंबर उत्तर के पास चलते हम लोग। प्रोटीन की संरचना पर विकृतकरण का प्रभाव, हेडिंग बना लो। प्रोटीन की संरचना पर, ए बात ना, अरे तुम अच्छे स्टूडेंट हो यार, जलवा तुम्हारी। प्रोटीन की संरचना विकृतकरण का प्रभाव, अब तो याद होगा ना। इसे प्रोटीन का जो तृतीयक और जो द्वितीयक संरचना है, प्राथमिक और मध्यस्थ लिख लेना है। इसमें प्रोटीन की तृतीयक और द्वितीयक संरचना प्राथमिक में बदल जाता है। प्राथमिक में बदल जाता है, तृतीयक और द्वितीयक संरचना प्राथमिक में बदल जाता है, तथा प्रोटीन अपने अस्तित्व को खो देता है, अस्तित्व को खो देता है। हो गया, चलिए 19 नंबर प्रश्न के पास चलते हम लोग। विटामिन किस प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं? रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम बताइए। अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं ना। लिख लो, विटामिन के घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। बताओ जल में कौन कौन घुलनशील विटामिन होता है? विटामिन बी, और कामा करके लिख सकते हैं विटामिन सी। आवासा में विटामिन कौन कौन? ए कमा करके, डी कमा करके, ई कमा करके। चले भाई, नोट पॉइंट में एक चीज जरूर लिखना है, पूछा भी है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन विटामिन सहयोग करता है? के। अच्छा, कौन ऐसा विटामिन होला जो जिससे कि जनन क्षमता कम हो जाए? कितनों जनों के लड़के नहीं होगा? विटामिन याद करना है, जनन क्षमता में कमी कर देता है। बाबू जांच करा लेना तुम। हमार पूरा विटामिन हमारा पावरफुल बन जाए, एक को कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लक्ष्मी जी से वरदान मांग कर रहा है, लक्ष्मी जी पूरा विटामिन भेज देंगे। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायता करता है, विटामिन के सहायता करता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन? विटामिन के सहायता बता दे इसको। चलाओ क्वेश्चन नंबर 20। तो
जिसके पास कदमों को अपने रख रहे हैं हल्के हल्के। प्रश्न है कि जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, विटामिन ए और सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। देखो सबको याद होगा विटामिन ए कमी से रतौधी रोग होता है, और इसके स्रोत भी आप लिख सकते हैं, खूब मछली खाइए, अंडा खाइए, पपीता खाने से बहुत ज़्यादा विटामिन ए मिलता है आपको याद होगा, दूध और रोटी खाने पर ये क्या हुआ, गलत बात है, या किसी के भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सब लोग जब स्टूडेंट है तो। चलिए तो विटामिन अगर ये प्रचुर मात्रा में लेना है तो गाजर खूब खाना पड़ता है, पपीता खूब खाइए जी बाबू, यकृत खूब खाइए, मछली खूब खाइए, अंडा अंडा से मिलता है, अंडा में हर एक विटामिन उपस्थित है। चलो और दूध में भी हर एक विटामिन होता है, तुम लोग नहीं बताना, लड़के बताएंगे कौन विटामिन दूध में उपस्थित नहीं होता, क्यों दूध फट जाए एकदम सही राकेश के बात एकदम मोदी का निकल जाए देखो विटामिन ए से रतौधी रोग होता है, रतौधी रोग होता है, विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से छात्र लिखे सॉरी फॉर मिस्टेक ए के कमी से रतौधी रोग होता है। स्रोत में क्या लिखो बताओ, गाजर खाओ, गाजर हरे पत्तेदार सब्जी बढ़िया ये थी खाना, तुम लोग जो भुजा खरीद के खाते हो उससे तुम लोग पपीता खरीद के खाते थे कितना अच्छा मिल जाता है, और सब हमने कहा मिल जाता है तुम लोग को नहीं मिलता, पपीता खाओ, अंडा खाओ, पनीर खा, पनीर जा पनीर बनावा एथी से, कैसे बना ला किसके दूध के दूसरा लिख लो आप, इसी में दिया है लिख लेना विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग कैसा होता है और क्या होता है, हड्डियां भी टेढ़ी हो जाती है इसमें, हड्डियां भी बड़ी तरह से होता है, विटामिन डी का कमी का रहता है, सूख जाता है एकदम मुचू को चल जाएगा। हाँ देर देर हमारी पति कमरिया ले गया चुका उठाए रहा तुम्हारे ढींचक लड़ गई, ये बात होता है। स्रोत है स्रोत खट्टे मान, खट्टे अलग बात, खट्टे माने फल खाने से, मैंने खट्टा चीज खाओगे ना तो आपको मिल जाता है, अनार का तो आंवला बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आंवला तुम लोग खाना भी चाहिए, आज एक चीज़ बता दे तुम लोग को, तुम लोग याद भी होगा, आंवला खा करके आंवला खा करके सेक्स करने से ना बच्चा नहीं रहता, आंवला खा करके या खिया करके सेक्स करने से बच्चा नहीं रहता, समझे हो, हाँ तो दुख लगाना खरीद के रख लेना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, अरे यार खरीद रहा था खटाई के लिए, खरीद रहा है खटाई के लिए विटामिन सी लेने के लिए खरीद रहा है। देखो अब आपसे प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल सबको याद है क्या न्यूक्लिक अम्ल, नहीं कोई आरएनए डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं इसका खोज किसने किया था, माइसर ने, कहाँ से किया था, मछली से, अरे मछली जल जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो मरने का मतलब
पेट में जाना चाहिए, वो मर सकते थे। पहले को पता नहीं। अच्छा न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना था बताओ? न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाया जाता है। यह अनुवांशिक अनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है, यानी वो आता है डीएनए और आरएनए। इसका खोज फ्रेडरिक माइसर ने किया था। फ्रेडरिक माइसर ने किया था। इसका दो कार्य जल्दी लिखो यार, रबर लिखो, टाइम हो गया, 9 मिनट और है, 9 मिनट में जितना पढ़ लिया। ए बी दो कार्य इसका लिख लो। पहला कार्य ये जानते हैं ना, शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं को संचालित करता है। फर्स्ट बात है। सेकेंड है अनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है, अनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका आया है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से आपका समझता बारे में कोई बताएगा बच्चा? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, किसे कहते हैं आप बताएंगे? ग्यारह बताओ। जब नाइट्रोजन तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड तीनों मिला। चिमकी मिंकी घन बोला था उसने, देखो कितने अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में, ग्यारह दिख रहे हैं आप लोग। आपके घर के भी बच्चे अगर ग्यारह में पढ़ रहे होंगे ना, तो जरूर समझा दें कैसे ही पढ़ना तुम भी। चलिए 22 के, पढ़ना बहुत आसान नहीं होता बाबा, पढ़ना तो आसान होता है लेकिन किसी प्रश्न का जवाब देना बड़े मुश्किल होता है। तो पहला बात होता है आपका न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोसाइट ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड को, बढ़िया से इसको याद कर लेना है तुम लोगों को, बताया भी गया था, ध्यान कर सकना है तुम लोगों को, मिटा दे लिख लेगा न्यूक्लिक हम लोग। देखो इसमें कानून सिंपल सा चीज लिख लो कि जब नाइट्रोजन छाड़े, देखो ये देखो यहाँ पर साइड कह रहा है ना, तो शर्करा होना चाहिए बस, नाइट्रोजन छाड़क तो रहेगा आपके प्लस है, शर्करा मिल जाते हैं आपस में, तो जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइट का निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोसाइट का निर्माण। जब न्यूक्लियोटाइड के कहेगा ना तो इसमें नाइट्रोजन क्षारक होता है, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों जुड़ते हैं तो आपका न्यूक्लियोटाइड। देखो टाई का मतलब होता है जैसे थ्री के लिए टी लिखते हैं ना, इसमें तीन चीज़ें होती है जरूर याद रखेंगे, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक याद है ना, एड वो आपका जो एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होते हैं, आरएनए में अलग होता है डीएनए में अलग होता है। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के पास। डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। एकदम सही बात पूछा है, इसलिए होते हैं कि आराम से जो इसमें नाइट्रोजन क्षारक है एक दूसरे से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 23 के पास कदमों पर रख रहे हैं हम लोग।
23। अच्छा प्रश्न पहले समझ लो, प्रश्न कह रहा है डीएनए के दोनों रजुक समान नहीं होते, जैसे एक ये रजुक है ना डीएनए का और एक ये रजुक, डीएनए कितने रजुक हुए, तो डीएनए का दोनों रजुक समान नहीं है, ठीक है, तो दोनों रजुक दूसरे का पूरा कर दे, अगर ये 5 डैश से शुरू होता है तो 3 डैश पर, तब ये 3 डैश पर शुरू होता है 5, ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में देखिए नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ए के साथ टी जुड़ा होता है डबल बॉन्ड, सी के साथ ये जुड़ा होता है, सब आप देखेंगे इसी तरीके से कहीं भी आपको नजर आएंगे, पूरा ये आपके नाइट्रोजन क्षारक है जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तरीके नायलिक उत्तर में डीएनए के दोनों रजक समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरक होते हैं, दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारक के बीच में हाइड्रोजन बांध उपस्थित होते हैं, ठीक, या तो घनो ए के साथ टी जुड़ा होता है कि डबल बॉन्ड होता है इसमें, और सी के साथ जी जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 डीएनए तदारण में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक, ये तो पढ़े ही थे आप लोग ना, ये आप लोग रुका हुआ धीरे से, क्वेश्चन नंबर 24 के पास कदमों को हम लोग रख रहे हैं, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताना है, इतने के लिए हो गए तुम लोग, डीएनए और आरएनए में अंतर है तो बहुत बार लिखे हो तुम, ये 11 वाले बच्चे लिख लोगे आप तो, बायोलॉजी में भी तुम लोग पढ़े हो, बायोलॉजी में तुम लोग भी पढ़े हो, 12 वाले बच्चे भी पढ़े हैं, या केमिस्ट्री में लिख लेना, चलो 25 के उत्तर के पास चलते हैं हम लोग, लिख जरूर लेना इसको, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए में कौन 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 से, अरे यार ये तो बहुत आसान है, आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार लिख लो यहाँ पर, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, पहला होता है टी आर एन ए, बताओ टी को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हस्तांतरण आर एन ए, एक होता है एम आर एन ए, अच्छा यम को अंग्रेजी में मैसेंजर कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं संदेश वाहक आर एन ए, आई का होता है आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ओके, तो आज के लिए इतना, ठीक है, कुखवा तो दिया हमको।